नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समग्र पोर्टल के बारे में। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आपको पता होगा कि समग्र ID का होना कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ समग्र ID सही होना कितना ज़रूरी है। सही होना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग आज की डेट में सभी तरह के स्कॉलर के फॉर्म या फिर बच्चों की KYC 9th से लेकर 12th तक की KYC ले लो या फिर रोजगार पंजीयन ले लो या फिर किसी भी तरह की वैकेंसी ले लो, तो यहाँ पर सभी जगहों पर समग्र ID लगाई जानी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत से लोगों की समग्र ID में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर गलतियाँ होने के कारण वो जिस भी चीज़ को बनवाते हैं तो वहाँ पर उनकी गलत डिटेल आ जाती है, समग्र ID के अकॉर्डिंग आती है ना, तो गलत आ जाती है। अब यहाँ पर वो लोग नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर अपने सेक्रेटरी, गांव के सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप समग्र ID में करेक्शन कराना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑनलाइन EKYC करा लीजिए। देखिए EKYC का प्रोसेस मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। देखिए यहाँ पर EKYC मैं आपको बता देता हूँ, samagra.gov.in की वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए EKYC लिखा हुआ है ना, यहाँ से होती है। यहाँ पर प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने 9 अंकों का समग्र ID दोनों बॉक्स में डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिक्चर कैप्चर खोजी बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर OTP आएगा, OTP डालिएगा, फिर आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक KYC हो जाएगी, सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हो गई KYC करने की बात। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि वो लोग तो बोल देते भाई आप KYC करवा लीजिए, आपके सुधार हो जाएगा, ID में जो भी गलती है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सुधार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महीनों से ऐसे कई लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने KYC करा के रखी है, महीनों से यहाँ पर परेशान है, उनकी ID ज्यों के त्यों है। यहाँ पर ID में किसी भी तरह का सुधार नहीं किया गया है और लोग परेशान है कि कब मेरी ID सुधरेगी। तो यहाँ पर आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूँ। छोटा सा टॉपिक है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले अगर अपनी ID में किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको KYC कर लेनी है, ठीक है ना। KYC करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि इसकी रिक्वेस्ट पहुंच जाती है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या फिर गांव के, आपका गांव का जो भी सेक्रेटरी वगैरह है उसके पास आपकी एक कंप्लेन पहुंच जाएगी, KYC की कंप्लेन, ठीक है ना। तो वहां से क्या होता है उन्हें अप्रूव करना होता है, वहां से क्या होता है नगर निगम या फिर नगर पंचायत से वहां पर उनको एक अपनी खुद की ID दी जाती है, ID पासवर्ड, लॉग इन ID पासवर्ड दिया जाता है, खुद का एक पोर्टल। उस पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट पहुंच जाता है, उस रिक्वेस्ट को वहां से उन्हें अप्रूव करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है अधिक मात्रा में जब भी ऐसी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं, पेंडिंग में डली रहने देते हैं। तो महीनों हो जाती हैं और आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में डली रहती है, तो यहाँ पर काफ़ी समय लग जाता है और आपकी समग्र ID में करेक्शन नहीं हो पाता है और आप लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप जहाँ भी रहते हो, गाँव में रहते हो, तो अपने सेक्रेटरी के पास जाइए, वहाँ पर उनसे बोलिए कि भाई मैंने KYC की प्रोसेस कम्प्लीट कर दी है, रिक्वेस्ट आपके पास पड़ी होगी तो आप उसे वहाँ से अप्रूव कर दीजिए। तो यहाँ से 24 से 48 घंटे में आपकी समग्र ID में जो भी करेक्शन होना है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। वहां से वो अप्रूव करेंगे, इसके 24 से 48 घंटे बाद आपकी समग्र ID में करेक्शन होगा, इस चीज का ध्यान रखें। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और हिंदी में नाम और आधार लिंक की प्रोसेस को ही यहां पर सुधारा जा सकता है। अगर आपको पिता का नाम सुधरवाना है तो डायरेक्ट आपको अपनी नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर आपको गांव के सेक्रेटरी के पास जाना होगा, उनसे बोलना हुआ तभी वो सुधारेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फादर नाम सुधारने का ऑप्शन EKYC के माध्यम से नहीं दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको समग्र ID से रिलेटेड, अपडेट से रिलेटेड जरूरी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब अगर आपको भी अपनी समग्र ID में एक सुधार करवाना है तो आप परेशान नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ देगा इंस्टाग्राम ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।